नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली करंट अफेयर करते हैं और हम लोग ये डिस्कशन एमसीक्यूज के माध्यम से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और उससे संबंधित तमाम व्याख्याएं हम लोग देख लेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। केटोप्रोपेन, एक्सिलोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, निमेसुलाइड एंटी स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं, NSAIDs हैं। ये दवाएं गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक हैं। कुछ NSAIDs का गिद्धों द्वारा पूरी तरीके से उपापचय नहीं हो पाता है, इस कारण से पक्षियों के गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं क्या ये दवाएं? ठीक, तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? तो इनमें से तीनों कथन सही हैं, सभी तीन कथन सही हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अभी DTAB ने, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने गिद्धों के लिए जो हानिकारक दो अन्य दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। और ये क्वेश्चन इससे पहले जो प्रतिबंधित जो डाइक्लोफेनाक है, ये जब प्रतिबंधित हुआ तो अभी तक दो बार UPSC में सीधे सीधे पूछ चुका है और बाकी स्टेट PCS में भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो DTAB है ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पशुधन के उपचार में प्रयोग, अच्छा ये जो दवाएं हैं ये पशुओं मवेशियों वगैरह के उपचार में प्रयोग करी जाती हैं, की जाने वाली दो दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की सहमति व्यक्त की है। ये जो दवा है केटोप्रोपेन और एक्सिलोफेनाक, ये दो दवाएं हैं जिनको मांग करी जा रही है, जिनको सिफारिश किया है DTAB ने कि इन पे रोक लगाई जाए। ये DTAB स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन फिडेस्को का हिस्सा है। ठीक है, फिडेस्को का हिस्सा है। यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के तकनीकी पहलुओं से संबंधित नीतिगत निर्णयों पर मंत्रालय को क्या करता है, तो ये सिफारिश करता है। ये अभी इसने केवल सिफारिश किया है, अभी ये मंत्रालय के विवेक में है कि वो इस पे इन पे रोक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। ये जो केटोप्रोपेन है, एक्सिलोफेनाक है, डाइक्लोफेनाक है, निमेसुलाइड है, ये एंटी स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं हैं। इन्हीं को NSAIDs कहते हैं। इनका उपयोग पशुओं की चिकित्सा में किया जाता है, ध्यान देना है, मवेशियों की चिकित्सा में किया जाता है। ये दवाएं गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए ये हानिकारक है। किनके लिए? गिद्धों के लिए और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक है। ठीक है, चलिए, डाइक्लोफेनाक पहले से ही प्रतिबंधित है, हम सभी जानते हैं। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। कुछ NSAIDs का गिद्धों द्वारा पूरी तरीके से उपापचय नहीं हो पाता है, इस कारण वे पक्षियों के गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। इन दवाओं से उपचारित मवेशी उपचार के 3-4 दिनों के भीतर यदि NSAIDs का उपापचय कर लेते हैं, ठीक है, और इतनी अवधि बीतने के बाद यदि उनकी डेथ हो जाती है और गिद्ध उन्हें खा लेते हैं, तब गिद्धों को कोई खतरा नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि ये 3-4 दिनों में ये अगर उनका ये जिन मवेशियों का इलाज किया जा रहा है, अगर वो 3-4 दिन तक ठीक रहते हैं और 3-4 दिन के बाद अगर उनकी मृत्यु होती है या ऐसे दवा खाने के बाद मृत्यु होती है, तुरंत बाद मृत्यु नहीं होती, तो गिद्धों के द्वारा अगर इनका मांस भक्षण किया जाता है तो गिद्धों को कोई खतरा नहीं होता। अगर हम भारत में गिद्धों की कुल प्रजातियों की बात करें तो कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। गिद्धों से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया, डाइक्लोफेनाक से अलग से पूछा गया है और गिद्धों से रिलेटेड प्रश्न अलग से पूछा गया है। ठीक है, तो कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 9 प्रजातियां हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, ये पुस्तकों में भी मिलती हैं। लेकिन 3 प्रजातियां ऐसी हैं इनमें से 9 में से जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पहला है सफ़ेद पुट्ठे वाला गिद्ध, दूसरा है पतली चोच वाला गिद्ध और तीसरा है लंबी चोच वाला गिद्ध। ठीक है, इन पिछले दशकों में इनकी आबादी में बहुत अधिक तेजी से गिरावट आई है, इसलिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। तो ये देख लीजिएगा, ये 9 प्रजातियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 9, लेकिन जो IUCN की रेड लिस्ट में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो महत्वपूर्ण है, बाकी आप देख लीजिएगा बुक से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है टाइटन, आप जैसा कि जानते हैं इन दिनों खबरों में काफ़ी चर्चा में है कि टाइटैनिक का जो मलबा है उसको देखने के लिए 4-5 लोगों की एक टीम गई हुई थी, 5 लोगों की एक टीम गई हुई थी
और उसमें टाइटन नामक सी गेट नाम की एक कंपनी है जिसने टाइटन नाम का एक पनडुब्बी बनाया था, तो उसके थ्रू वो गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ समस्याएं हो गई, विस्फोट वगैरह हो गया और उनकी डेथ हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई। ठीक है, दुखद है। चलिए उससे थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्र तल पर हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव हमारे चारों ओर की वायु के दबाव के समान होता है। ध्यान देना है, साइंस का देखिए क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव हमारे चारों ओर की वायु के दबाव के समान होता है। समुद्र तल पर यह दबाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.33 किलोग्राम या एक वायुमंडली दाब के बराबर होता है। गहराई में गोता लगाने वाली पनडुब्बियां, अब देखिए पनडुब्बियों के लिए आ गया जो अभी टाइटन गई थी उससे रिलेटेड है, का पोत खोल सामान्यतः गोलाकार होता है जिससे कि वे प्रत्येक बिंदु पर पनडुब्बी पर समान मात्रा में दबाव पड़ सके। यदि गोल रहेगा, सर्किल शेप में रहेगा, राउंड शेप में रहेगा, तो सभी ओर से, चारों ओर से समान दबाव पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन कथनों पर विचार करना है कितने कथन सही हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए, इम्प्लोजन हुआ, अंतः स्फोट हुआ टाइटन पनडुब्बी में, तो अमेरिकी नौसेना ने इसके संदर्भ में कहा है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गहराई में उतरने के दौरान पनडुब्बी से संपर्क क्या हो गया था, टूट गया था। इसके तुरंत बाद क्या हुआ कि उस नौसेना को अंतः स्फोट जैसी आवाजों का पता चला था। ध्यातव्य है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र तल से 3800 मीटर या 12,467 फीट नीचे मौजूद है। 3800 मीटर मतलब लगभग 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है समुद्र तल से। ठीक है, अब जो ये विस्फोट हुआ में एक अति संकुचित स्थान में दबाव तब तक बनता है, अगर विस्फोट की परिभाषा देनी हो कि विस्फोट किसे कहते हैं या विस्फोट को परिभाषित करना हो, तो एक अति संकुचित स्थान में दबाव तब तक बनता है जब तक कि ऊर्जा तीव्र गति से विमुक्त नहीं हो जाती। ठीक है, चलिए इस विस्फोट से हम लोग कोरिलेट करते हैं बिग बैंग थियरी को। बिग बैंग में क्या था, एक बिल्कुल एक सिंगुलरिटी की स्थिति थी, एक बिंदु पर यहाँ पे जो है तापमान घनत्व और यहाँ पे तापमान घनत्व वगैरह बहुत अधिक था। ठीक है, दबाव वगैरह बहुत अधिक था, तो उसके कारण क्या हुआ, इसका आयतन बिल्कुल कम था, इसका घनत्व तो बहुत अधिक था, अनंत था, और इसका तापमान बहुत अधिक था और आयतन बिल्कुल कम था। तो इसमें क्या है, बहुत ही समय तक ऊर्जा संचित होती रही, लेकिन फिर तीव्र जब विस्फोट होता है तो 13.7 अरब वर्ष के आसपास क्या होता है, बिग बैंग की घटना होती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी हुआ, यही चीज यहाँ पे भी बता रहा है कि विस्फोट यही चीज होता है, इससे मलबा बाहर की ओर फैल जाता है। बिग बैंग में भी हमारा ब्रह्मांड बाहर की ओर फैला था, विस्फोट में कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ फैलती है, यह ध्यान रखना है। जबकि अंतः स्फोट में क्या होता है, देखिए विस्फोट एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन में अंतर क्या है, अंतः स्फोट में क्या होता है, किसी संचरण पर दबाव तब तक बनता है जब तक कि वह अंदर की ओर पूर्णतः संकुचित न हो जाए और इससे मलबा अंदर की ओर ढह जाता है। एक्सप्लोजन में क्या होता है, मलबा बाहर की ओर जाएगा, और इम्प्लोजन में क्या होगा, चारों तरफ से दबाव इस तरीके से आएगा कि ये पूरा सिंगुलरिटी की स्थिति में आ जाएगी। ठीक है, द बिग क्रंच एक थियरी है हमारे ब्रह्मांड से संबंधित। ठीक है, बिग क्रंच हम एक थियरी है, उसमें क्या होगा कि अंतिम में जो ब्रह्मांड है उसका विनाश इसी रूप में होता है, अभी एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, उस समय धीरे 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 वापस से एक गोले में आ जाएगा, ये बिग क्रंच की तरह है। तो अंदर की ओर ढह जाता है, अर्थात अंतः स्फोट में बाहर से अंदर की तरफ दबाव के चलते धमाका होता है, और यह जल के दबाव के कारण अक्सर अंतः स्फोट या इम्प्लोजन जैसी स्थिति होती है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि गहरे समुद्र में जल के दबाव ने पनडुब्बी को संकुचित करके नष्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बिग बैंग और बिग क्रंच वाली जो मैंने बात बताई वो केवल कोरिलेट करने के लिए कि आपको वो भी याद हो जाए और ये भी आसानी से समझ में आ जाए कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए
समुद्र तल पर हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव हमारे चारों ओर के वायु के दबाव के समान होता है। हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा समुद्र तल पर यह दबाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यह ध्यान रखना है कितना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.033 किलोग्राम या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। समुद्र में जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है। प्रत्येक 33 फीट पे या 10.06 मीटर की गहराई पर दबाव एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है हमको। विशेषज्ञ टाइटन पनडुब्बी के साथ जुड़ी कुछ संभावित सुरक्षा संबंधी समस्याओं को इस हादसे का कारण मान रहे हैं। अब देखिए जो पोतखोल होता है वो चारों ओर का, ये पोत के चारों ओर, पोतखोल जो होता है चारों ओर का एक खोखला हिस्सा होता है जहां पे यात्री बैठते हैं, ठीक है। यह कार्बन फाइबर से बनाया गया था इसके संदर्भ में, यह टाइटन के संदर्भ में, जो समुद्र की गहराई में जाने वाले जलयानों या पनडुब्बियों के लिए काफी हद तक सही नहीं माना जाता। बेसिकली इसे टाइटेनियम वगैरह से बनाया जाता है, लेकिन ये कार्बन फाइबर से बनाया गया था। गहराई में गोता लगाने वाले पनडुब्बियों को पोतखोल सामान्यतः गोलाकार रखना होता है। जो पोतखोल गहराई में जाते हैं गोता लगाते हैं उनका जो पोतखोल होता है सामान्य तौर पर उनको गोलाकार रखना होता है जिससे कि चारों ओर उन पर दबाव समान रूप से पड़े। लेकिन ये जो टाइटन थी इसमें पोतखोल जो था वो गोलाकार नहीं था बल्कि एक ट्यूब के आकार का था, इसलिए समान रूप से इस पे दबाव वितरित नहीं हो पाया और इसीलिए इसमें इम्प्लोजन की घटना हुई। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कई चीज़ देखा इसमें, बिग बैंग देख लिया, बिग बैंग शॉट में देख लिया, बिग क्रंच देख लिया, ठीक है, एक्सप्लोजन देख लिया, इम्प्लोजन देख लिया, ठीक है, तमाम चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखा और बाकी जो घटनाक्रम है वो तो देखा ही। चलिए जोहा चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जोहा असम का एक GI टैग प्राप्त चावल है। जोहा चावल में व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले गैर सुगंधित किस्म के चावल की तुलना में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के बीच अत्यधिक संतुलित अनुपात पाया जाता है। जोहा छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है, इसे ध्यान रखना है, यह अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। तो उपर्युक्त में से ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन C सही है। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। देखिए अभी वैज्ञानिकों ने जोहा चावल में न्यूट्रास्यूलिटिकल्स पौष्टिक औषधि गुणों की खोज की है, साथ ही साथ लिनोनिक एसिड जिसे ओमेगा 6 कहते हैं, लिनोलेनिक ओमेगा 3 कहते हैं नामक दो असंतृप्त फैटी एसिड का पता लगाया है। इसमें क्या होता है, इनका बिल्कुल संतुलित अनुपात होता है सामान्य चावल की अपेक्षा, ठीक है। ये असम का एक GI टैग प्राप्त चावल है। जोहा चावल में व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले जो गैर सुगंधित किस्म के चावल होते हैं उनकी तुलना में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के बीच अत्यधिक संतुलित अनुपात पाया जाता है। जैसे हम लोग जो अपने तरफ यूज करते हैं, अगर वो चावल सुगंधित नहीं है, अगर वो कोई भी चावल है, अगर सुगंधित है भी और नहीं भी है, तो सुगंधित है तो कम से कम उनमें संतुलन थोड़ा जोहा किस्म के चावल के आसपास उनकी थोड़ी खासियत होगी। लेकिन हालांकि यह एकमात्र मानक नहीं है कि सुगंधित ही होना चाहिए, लेकिन जो असुगंधित चावल है उनमें बिल्कुल नहीं होती है, ये निश्चित है। जोहा चावल छोटे आकार के दाने वाला शीतकालीन धान है, ये भी हम लोगों ने देखा कि विशेष सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। जो जोहा की किस्में हैं वो ज़्यादातर छोटी और मध्यम दाने वाली होती हैं। जोहा की सभी किस्में ज़्यादातर छोटी और मध्यम दाने वाली होती हैं और इनकी उपज क्षमता बहुत कम होती है, यह हमें ध्यान रखना है। शीतकालीन चावल है, इनके जो दानों का आकार होता है छोटा, छोटे से मध्यम तक होता है, इनकी उपज बहुत कम होती है और ये सुगंधित होते हैं। सुगंधित चावल है, असम का GI टैग प्राप्त है और रक्त शर्करा को कम करने और मधुमेह को शुरुआत में ही रोकने में यह प्रभावी है। साथ ही साथ इनमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक्स भी पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है हमको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्लाउड सीडिंग, हम सभी परिचित हैं इस शब्द से, तो IIT कानपुर ने एक अनुप्रयोग किया है
उसके संदर्भ में ये प्रश्न है। अलग अलग पदार्थों रसायनों को बादलों में क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्लाउड सीडिंग में अलग अलग पदार्थों रसायनों को बादलों में जानबूझ के प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश करने के बाद वो संघनन अणु की भूमिका निभाकर वर्षा कराने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्लाउड सीडिंग सामग्रियों में लवण के कण जैसे सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन इत्यादि शामिल है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप पॉइंट जो है कि सारे पॉइंट इकट्ठे बुक में नहीं दिए होते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है, शुष्क बर्फ होता है, सिल्वर आयोडाइड वगैरह तो दिया होता है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन ये सब सामान्यतः एक साथ पुस्तकों में नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। जो संयुक्त कण होता है, ये जो संघनन अणु हो जाते हैं, तो सीडिंग सामग्री और जलवाष्प आदि ये सब मिलके ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और बदले में अधिक जलवाष्प कणों को आकर्षित करते हैं जब तक कि वो बूंदें नहीं बन जाती। जब वो बूंदें बन जाती हैं तो वायु उनका भार सह नहीं पाता है और वो बारिश के रूप में नीचे गिर जाती हैं। ये क्लाउड सीडिंग की तकनीक है। अब हम देखते हैं कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो ध्यान देना है ये तीनों कथन सही हैं। दूसरे कथन में जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में व्याख्या कर लेंगे, देख लेंगे। हाल ही में IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक सफल परीक्षण किया है। क्लाउड सीडिंग क्या है, हम लोगों ने उसकी प्रक्रिया देखी ली कि जानबूझ के बादलों में रसायनों इत्यादि का उसमें प्रवेश कराया जाता है, जो कि एक संघनित अणु की भूमिका निभा के वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण क्लाउड सीडिंग सामग्री हैं उनमें जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, हम सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ हम सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड भी हम सभी जानते हैं, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड और प्रोपेन सामान्यतः पुस्तकों में नहीं मिलता है। मैं वापस से बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। ये घटक बादलों का निर्माण करने वाले जल वाष्प कणों से बंध जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी इन सब से इस पॉइंट पे हम लोगों ने उसी दौरान बात कर लिया था कि जब जलवाष्प ये भारी सीधे अपने पास ये इकट्ठा करते रहते हैं नमी को, और जब ये भारी हो जाते हैं हवा से तो ये गिर के बारिश कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लाउड सीडिंग परीक्षा में हमारे यहाँ क्यों पूछ सकता है, क्योंकि अभी भारत में इतने तकनीकी तौर पे भारत इतना आगे नहीं जा पाया है कि वो कहीं भी क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के द्वारा वो अपेक्षित क्षेत्र में वो बारिश वगैरह करा दे। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और IIT कानपुर ने इसका एक सफल परीक्षण भी किया है, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि चाइना वगैरह इसमें बहुत आगे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिकल सेल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में भारत की जो तकनीकी योग्यता है या विशेषज्ञता है वह उतना अधिक नहीं होने, कहने का मतलब यह नहीं है कि भारत यह नहीं करा सकता, बल्कि भारत में अभी इस तरीके का माहौल बन नहीं पाया है कि वो अभी करा ले। ठीक है, कहीं कहीं किया गया है लेकिन अभी उतने बड़े स्तर पर नहीं किया गया है, ये मेरे कहने का मतलब है। चलिए, सिकल सेल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सिकल सेल डिजीज एक प्रकार का हीमोग्लोबिन विकार है। यह एक वंशानुगत रक्त रोग है जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रवाहित करता है। ठीक है, सिकल सेल से संबंधित एक विजन है 2047 तक, जो कि इस बार बजट में घोषित किया गया है। अगर आपको याद होगा तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, इस रोग में लाल रक्त कोशिका के आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कोशिका एक साधारण डोनट के आकार से परिवर्तित होकर अर्धचंद्राकार या हसिया या दराती के आकार का बन जाती है, सिकल के आकार का बन जाती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें ढलनशीलता, ठीक है, प्लास्टिसिटी की कमी हो जाती है, और इस कमी के कारण वो छोटी रक्त वाहिकाओं का मार्ग अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे कि रक्त प्रवाह में बाधा आ पाती है। ढलनशीलता को हम आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोशिकाएं इससे विकृत नहीं होती हैं तो वो जो एक तरीके से रक्त वाहिकाएं होती हैं जो उसमें आराम से उनके आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कि रक्त प्रवाह में बाधा नहीं पहुंचती है। ठीक है, लेकिन जब वो विकृत कोशिकाएं हो जाती हैं तो उनमें प्लास्टिसिटी का जो क्वालिटी होती है गुण समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को उस आकार में नहीं ढाल पाती, यही कह रहा है। तो ये तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में। मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल इलाके अलीराजपुर और झाबुआ जिलों के निवासियों को सिकल सेल एनीमिया का स्तर दिखाने वाले कलर कोडेड कार्ड्स वितरित किए जाएंगे। अच्छा, ये ध्यान देना है कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये विशेष तौर पर, या हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्य तौर पर ये जनजातीय क्षेत्रों में ही होता है, ये जानना है, ध्यान रखना है। ये होमोग्लोबिन संबंधित विकार है और वंशानुगत रक्त रोग है, यह भी ध्यान देना है कि वंशानुगत रक्त रोग है जो कि शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को प्रवाहित करता है। ये हम लोगों ने बात देख लिया था, ये दोनों पॉइंट भी हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। अब हम अंतिम पॉइंट पे आ जाते हैं। अब चूंकि विकृत हो जाता है, उनमें विकृति आ जाती है, इसलिए उनमें प्लास्टिसिटी भी समाप्त हो जाती है और ये विकृत होकर अर्धचंद्राकार या दराती के रूप में बन जाते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में जो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि सिकल सेल एनीमिया है या सिकल सेल डिजीज की स्थिति में, मतलब जो सिकल सेल रोग होता है उसको कई बार सिकल सेल डिजीज इसलिए कहते हैं, जब सिकल सेल डिजीज होता है तो उस स्थिति में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त प्रवाह बाधित हो गई होती है। बाद में इसी कारण यह एनीमिया में परिवर्तित हो जाता है, जिसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और निश्चित तौर पे आपके आपकी तैयारी को हम लोग और आगे ले जा रहे होंगे। तो चलिए, फिर हम कल नए कुछ नए प्रश्नों के साथ और उनकी अच्छी व्याख्याओं के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।